Good evening. Today we will be taking potentiometer for the discussion. So you must be thinking, what is a potentiometer? Okay. The scale which you use, okay, is this type of scale. Yeah. What is this? Scale. What is this? This is a length meter. Length meter. Length meter, which measures length. Okay, how that measures length? You know, that is having some divisions, you know, some divisions on its surface. ठीक है ना, इस साइड सेंटीमीटर और इस साइड इंचेस है. तो बेसिकली लेंथ मीटर, अगर मैं ये कहूं कि लेंथ मीटर ओके इज अ काइंड ऑफ थिंग फाइन विच हैज the divisions marked on its surface, calibrated divisions, जो हमें length measure करने के लिए help करते हैं. Okay? और इसको simple language में you say scale. Scale तो कुछ भी होता है, anything which is able to measure, that is a scale. Okay? Voltmeter is a scale. Ammeter is a scale. This length meter is a scale. Potentiometer is a scale. Anything which has a ability to measure is a scale. Basically, that is length meter. Now, potentiometer. Potentiometer is an equipment which has calibrated divisions, which have distributed divisions on it, so that वो divisions हमें potential measure करने में help कर रही हैं. Scale में हम क्या करते हैं? Scale में what we do? How we measure the length? जिस ऑब्जेक्ट का भी लेंथ मेजर करना होता है, उसको हम स्केल के ऊपर जो लेंथ डिविजन्स मार्क्ड है उसके साथ कंपेयर करते हैं, है ना, 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, सो ऑन. तो लेंथ्स को कंपेयर करते हैं. व्हेन द गिवन लेंथ इज कंपेयरेबल टू द डिविजन्स, उतना लेंथ हम कह देते हैं बाय कंपेयरिंग. इन द सेम वे पोटेंशियोमीटर के लिए है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर कैलिब्रेटेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बन जाता है. ठीक है, और ये जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें किसी भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ मेजर करने में हेल्प करता है बाय कंपेयरिंग द सेम थिंग. ओके, तो पोटेंशियोमीटर जो है, पोटेंशियोमीटर बेसिकली इज अ पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ओके, अब पोटेंशियल के साथ ही रिलेटेड है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक, अब अगर कोई भी स्केल है उसके ऊपर डिविजन्स होंगे, उसका कुछ लीस्ट काउंट होगा. लीस्ट काउंट मीन, लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है, सेंटीमीटर वाली स्केल का, कि इसका एक डिवीजन कितना मेजर कर पा रहा है.
ओके, जब हम एक डिवीजन मूव कर रहे हैं तो हाउ मच दैट इज एबल टू मेजर, तो इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 1 मिलीमीटर. इसी तरह से इस पोटेंशियोमीटर, अगर ये स्केल है तो इसका भी कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होगा. ओके, तो एज पर द लीस्ट काउंट हम क्या करेंगे, स्केल को यूज कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ लीस्ट काउंट. चलो लेट अस सी, ओके, किस तरह से एक वायर, ठीक है, पोटेंशियोमीटर की तरह बिहेव करता है, फर्स्ट थिंग, और दूसरा उसका लीस्ट काउंट क्या है. लीस्ट काउंट ऑल्सो इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी समटाइम. लैब में इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पोटेंशियोमीटर कहते हैं. बेसिकली है क्या, फटा एक प्लैंक होता है, ठीक, प्लैंक के ऊपर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 4 मीटर वायर के 4 स्लॉट्स लगे होते हैं, एंड ये चारों के 4 सीरीज में जुड़े हैं. यहां से आए, ये ब्रॉड स्ट्रिप लगा, ये ब्रॉड स्ट्रिप इसलिए लगा ताकि इसका रेजिस्टेंस बहुत, इस पार्ट का रेजिस्टेंस बहुत कम हो, इतना कम कि नेग्लिजिबली स्मॉल, निग्लेक्ट कर दिया. फिर यहां से ये जॉइंट है, सेम वे निग्लेक्टेड, रेजिस्टेंस निग्लेक्टेड, जॉइंट है बना हुआ, सेम वे ये ब्रॉड दिया गया इन सच अ वे कि इसका रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर दें, ठीक है. इस इंस्ट्रूमेंट को पोटेंशियोमीटर कहा जाता है. नाउ बेसिकली तो अभी ये एक यू नो नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना. हाँ, एक्टिवेट होने के बाद, मतलब जब पावर सप्लाई इन अवे लगाते हैं तब बेसिकली ये पोटेंशियोमीटर बनता है. बिफोर दैट तो एक नॉर्मल वायर है, ओके, और एक प्लैंक है, फट्टे के ऊपर वायर लगी हुई है, ठीक. अब किस तरह से यू नो दैट जो ईएमएफ लगाते हैं एंड दैट ईएमएफ अप्लाइड मेक्स इट अ पोटेंशियोमीटर, लेट अस सी. सबसे पहले यहां पे अप्लाई करते हैं ईएमएफ, ओके, जो करंट का एक सोर्स है बेसिकली, ठीक है. नाउ उसके बाद एक की आएगा बेटा, फाइन. आफ्टर की वी हैव अ एमीटर और मिली एमीटर इन द सर्किट, मिली एमीटर, फाइन. अब बी के साथ हमने पॉजिटिव एंड लगाया है तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव चला आ रहा है, तो यहां पे आपके मिली एमीटर का नेगेटिव आएगा, ठीक. जिस तरह का पोलैरिटी उसी तरह, उसी पर्टिकुलर टर्मिनल के साथ हम उसको ज्वाइन करेंगे. देन ये साइड पॉजिटिव, आफ्टर दैट यहां पे लगता है, बोलो, करंट को कंट्रोल करना है. कैसे कंट्रोल करेंगे, करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लगाते हैं रियोस्टैट, ठीक, और वो रियोस्टैट यहां पे ज्वाइन होता है बेटा दूसरे एंड पे. समझ में आया, ठीक है. दिस इज योर बैटरी, ओके, दिस इज योर की, ओके, मिली एमीटर करंट मेजर करने के लिए, रियोस्टैट, रियोस्टैट, फाइन. रियोस्टैट क्यों लगाया, ताकि सर्किट के थ्रू करंट को कंट्रोल किया जा सके. अभी देखना करंट किस किस फैक्टर को कंट्रोल करता है, बस अभी याद रखना कि करंट को कंट्रोल किया जा सके. चलें आगे, ओके. लेट This wire of the potentiometer has length L and uniform area of cross section A and have some resistivity rho. Okay? Length, area of cross section, resistivity. Now, wire length is from A to B. Fine. Is situation mein 4 meter hai. Theek? लैब सिनेरियो में हम 10 मीटर पोटेंशियोमीटर, 10 मीटर वाला पोटेंशियो, 10 मीटर वायर वाला पोटेंशियोमीटर भी हम यूज करते हैं, जिसमें ये 10 वायर्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. समझ में आया, तो इस कारण से आई विल बी सॉल्विंग इट फॉर लेंथ एल, ठीक है बेटा. नाउ
रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो गिवन. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी कितना होगा? रो एल बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी. अब की क्लोज किया, की क्लोज करने के बाद दिस की इज क्लोज्ड. यहां से करंट फ्लो कर, लूप कंप्लीट होगा, करंट विल बी फ्लोइंग. लेट आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू सर्किट. लेट आई कॉन्स्टेंट थ्रूआउट द एक्सपेरिमेंट वैल्यू शुड नॉट चेंज. आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर. ओके अब आर ए बी मतलब वायर, वायर इज अ रेजिस्टेंस बेसिकली, उसमें से करंट जा रहा है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा पूरे वायर के अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप वी ए बी. फाइन सी वी ए बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी जो हमने वायर के एंड एज्यूम किए ना, ये दोनों इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से जो बैटरी के कारण करंट फ्लो कर रहा है ये पॉजिटिव है, यहां से करंट. ठीक है सी वी ए बी इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू वायर कितना है, हमने एज्यूम किया आई इंटू आर ए बी. इज इट क्लियर? ठीक है वैल्यूज प्लेस कर रहा हूं बेटा. VAB is equal to I, RAB is rho L by A. Is it clear? ठीक है अब यहां से जो ध्यान देने वाली बात है, ओके सबसे पहला वेरिएबल मैं निकाल रहा हूं पोटेंशियल. ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंप्लीट वायर है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, मतलब एक यूनिट डिवीजन, यूनिट डिवीजन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है. दैट टर्म डिफाइंस द पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट रिटन बाय स्मॉल के. ओके तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ मीन जितना पोटेंशियल ड्रॉप पूरी लेंथ के अक्रॉस है उसकी वैल्यू को डिवाइड किया टोटल लेंथ से तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया. मतलब एक यूनिट एक डिवीजन कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने अक्रॉस दिखाएगा, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट के, पोटेंशियल ग्रेडियंट. ओके नाउ अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्टिकुलर यू नो सेक्शन वायर का कंसीडर कर रहे हो, अब देखो आप यूनिट लेंथ के अक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया, ठीक है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ इसके. ठीक है अब मैं तुम्हें कहता हूं कि एल लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लेंथ एल. ठीक है ये टास्क हमने आपको दिया, फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ एल. अब आपको यूनिट लेंथ के अक्रॉस पता है कितना पोटेंशियल है, वो है के, तो एल लेंथ के अक्रॉस कितना होगा, वी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. यस तो यहां पे जितने लेंथ सेक्शन की बात करनी है, जितने लेंथ सेक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसको के से मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर मिल जाएगा.
ये आपके स्केल की तरह हो गया कि नहीं, स्केल के ऊपर क्या करते हो, ठीक है, यहां से फाइन लेंथ कंसीडर करते जाओ और यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। यूनिट अगर मिलीमीटर लेके चल रहे हो, डिविजन्स लो, यूनिट से मल्टीप्लाई करो, ओके, आपको उतना लेंथ मिल जाएगा। अगर सेंटीमीटर यूनिट ले रहे हो, फाइन, तो डिविजन्स काउंट करो, यूनिट से मल्टीप्लाई करो, सेवन सेवन डिविजन्स स्मॉल वाले मल्टीप्लाइड बाय, स्मॉल वाला डिविजन इज 1 मिलीमीटर, तो 7 डिवीजन मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलीमीटर कितना बनाएगा, 7 मिलीमीटर, ओके। अगर सेंटीमीटर लेके चल रहे हो, 9 डिवीजन्स मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट पोटेंशियल लेंथ, ठीक है ना, यूनिट यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर, तो कितना बनेगा, 9 सेंटीमीटर। इन द सेम वे यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ आपको मिल गया, ये आपका प्रोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है। तो आपको यहां पे सिर्फ लेंथ का वैल्यू डालना है, ओके, एंड दिस वैल्यू ऑफ लेंथ जब आप डालोगे तो आपको पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वायर अवेलेबल हो जाएगा। यहां से एक और चीज पता चलती है, देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वायर, पर्टिकुलर पीस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन लेंथ। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस मिल जाएगा, यही बात है ना। तो आई कैन राइट, इसी सिचुएशन को देख लो कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द सेक्शन प्रोवाइडेड के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो के को कॉन्स्टेंट करना है, के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू कितनी है, के का वैल्यू इज, देखो ये वी ए बी ओवर एल, ठीक है, और यहां पे ऑलरेडी आप लोग वी ए बी का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो वी ए बी ओवर एल कितना बनेगा, आई रो बाय ए, वी ए बी ओवर एल इज इक्वल टू आई रो बाय ए। तो जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, दैट इज इक्वल टू आई रो ए बाय ए, ठीक है। तो यहां पे हमारी जो सिचुएशन बन रही है वो क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल व्हेन के इज कांस्टेंट। के में क्या क्या आ रहा है, के में है आई, करंट पासिंग थ्रू द वायर शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, ओके, रो, वायर शुड बी मेड ऑफ सेम मटीरियल, मतलब ये जो पूरा वायर है सेम मटीरियल का बना हो तभी तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, एंड वायर शुड हैव यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर यू विल नॉट बी एबल टू राइट इट कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो ए यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर ये सारे कॉन्स्टेंट हो जाए तभी आपका जो के है वो बेसिकली कॉन्स्टेंट होगा, ओके, एंड वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जो मैंने डिफाइन किया है, दिस इज पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज स्टेटेड लाइक दिस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ वायर, अक्रॉस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ वायर, मतलब किसी पर्टिकुलर पीस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पीस। मीन छोटा पीस होगा स्मॉलर लेंथ का तो छोटा पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेसर विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप। अगर पीस का लेंथ ज्यादा होगा देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, पोटेंशियल ड्रॉप विल बी मोर, प्रोवाइडेड आई रो एंड ए, आई रो एंड ए आर कांस्टेंट, मतलब जब तक ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है आपका करंट शुड बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट, ठीक है, एंड वायर शुड हैव uniform area of cross section and should be made of same material, got it, this is your basic principle of potentiometer, got it। now see this k
also is least count of potentiometer. Least count of potentiometer. Hope you have understood. समझ में आया? लीस्ट काउंट है तभी तो इसको मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ डिविजन के साथ और कहानी वी आर गेटिंग द वैल्यू. लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया. फाइन. अब स्केल, किसी भी स्केल का सेंसिटिविटी होता है ना. ओके अब एक सेंटीमीटर स्केल का सेंसिटिविटी ज्यादा है या मिलीमीटर स्केल का सेंसिटिविटी ज्यादा है. सेंसिटिविटी मीन कितना यू नो एक्यूरेसी के साथ मेजर कर पा रहा है. फाइन. नाउ जो मिलीमीटर वाला स्केल होता है वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करता है, मीन दैट इज मोर सेंसिटिव. उसका जो एक डिवीजन है वो बहुत कम मेजर कर लेता है मिलीमीटर ना. सेंटीमीटर वाला उतना कम मेजर नहीं कर पाएगा. करेक्ट. तो दैट वे जो स्केल का यूनिट जितना छोटा होगा, जितना छोटा होगा वो उतने स्मॉल चेंजेस को भी मेजर कर पाएगा. इस कारण से उसका सेंसिटिव उतना ज्यादा, सेंसिटिविटी उतना ज्यादा. तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर किस तरह से हम डिफाइन करते हैं, लेट अस सी. सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, क्या होगा? 1/unit पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ. के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ओके, सेंसिटिविटी उतनी क्या होगी, कम होगी. समझ में आया? ठीक है. ओके तो जस्ट सी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पर्टिकुलर लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ वायर किसी सिचुएशन में है 0.2 वोल्ट, ओके, K1. दूसरे सिचुएशन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ, अक्रॉस यूनिट लेंथ वो है 0.01 वोल्ट, K2. तो कौन सा स्केल ज्यादा सेंसिटिव हुआ? जिसका K का वैल्यू कम होगा. के जो के है ये कम है, जिसका के कम उसका सेंसिटिविटी ज्यादा. समझ में आया? तो सेंसिटिविटी एस इज इक्वल टू 1/k, देयरफॉर इट विल बी एल ओवर वी ए बी. और अगर आप इस इक्वेशन पे जाओ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट I/A, ठीक है, तो यहां से यू गेट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू A/I/ρ. फाइन. तो फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग अ काइंड ऑफ सिचुएशन अबाउट सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर. मतलब जितनी ज्यादा, अगर आप चार वायर्स वाला पोटेंशियोमीटर यूज कर रहे हो तो उसकी सेंसिटिविटी कम होगी इन कंपेरिजन टू 10 मीटर वाला आप पोटेंशियोमीटर यूज कर लो. ठीक है. सेंसिटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जितनी मोटी वायर यूज करोगे, ठीक, उतना सेंसिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा. सेंसिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर. अब अगर आपको ध्यान हो, हमने सर्किट में मिलीएमीटर लगाया था. वी हैव प्लेस्ड अ मिलीएमीटर. जस्ट सी, ये मिलीएमीटर इज प्लेस्ड ओवर हियर. ये इसीलिए तो लगाया था कि करंट को हम अपनी मर्जी से मेजर करके यू नो सेंसिटिविटी को बढ़ा सके. ठीक. और करंट को कंट्रोल करने का दूसरा रीजन इज कि करंट व्हेन इज पासिंग थ्रू सर्किट, ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करेगा वायर्स में. हीट प्रोड्यूस होगा तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज करेगा. रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज करेगा तो करंट हमारा चेंज कर जाएगा. और करंट को तो हमने कॉन्स्टेंट एज्यूम किया है. इट मीन्स देयर विल बी अ एरर. इस कारण से करंट को हम मिनिमाइज रखते हैं बेटा. And the benefit of minimum current I am getting ke sensitivity is maximized. And sensitivity is inversely proportional to resistivity of the wire. ठीक, समझ में आ गया? तो sensitivity अगर आपको बढ़ाने के लिए कहा जाए, increase the sensitivity of potentiometer, then देख लो आपके सामने situations.
यू विल बी एबल टू डू दैट. फाइन, होप द थिंग्स आर क्लियर. अभी इसको यूज कैसे करना है वी विल बी यू नो डिस्कसिंग दैट थिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. फाइन, गो थ्रू द कंटेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. फाइन, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग लेट मी नो अबाउट सो दैट द सेम थिंग इज यू नो डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.